पर्स में पैसे भले ही ना हो लेकिन एटीएम हमेशा मौजूद होता है। अब पड़ताल करेंगे आपके एटीएम कार्ड पर जारी होने वाले 5 लाख के दुर्घटना बीमा की। दावा है कि हर बैंक एटीएम धारक से बिना कोई पैसे लिए उसका दुर्घटना बीमा करता है जो 5 लाख तक हो सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं वायरल हो रही इस नई कहानी का सच क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर बाजार में कुछ खरीदना हो, जेब में अगर एटीएम कार्ड है तो हर काम आसान हो जाता है। एटीएम तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका दुर्घटना बीमा भी होता है? सोशल मीडिया में तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वायरल हो रहे इस मैसेज में लिखा है, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक ने आपका 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया है। बीमा योजना में बिना कोई राशि जमा किए विकलांगता से लेकर मौत होने तक के मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन 95% एटीएम धारकों को इस योजना का पता ही नहीं है। दावा तो यह है कि बैंक के एटीएम का प्रयोग करने के 45 दिन के अंदर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो बीमा पॉलिसी के तहत मुआवजा पाने का हकदार होता है। इस योजना को शुरू हुए कई साल हो चुके हैं। सच जानने के लिए एबीपी न्यूज के कई दर्शकों ने हमें ये मैसेज भेजा है। एबीपी न्यूज ने वायरल हो रहे इस मैसेज की पड़ताल की तो सामने आया कि अलग अलग तरह के एटीएम पर तय मुआवजे का प्रावधान है। मतलब ये कि अगर आपके पास प्लेटिनम कार्ड है तो आपके कार्ड पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। अगर आपके पास क्लासिक कार्ड या फिर किसान डेबिट कार्ड है तो उस पर 50,000 रुपए की राशि तय की गई है। पीएनबी मित्र एटीएम कार्ड पर 25,000 रुपए का दुर्घटना बीमा होता है, जबकि मास्टर रक्षक प्लेटिनम कार्ड पर 5 लाख रुपए की बीमा राशि तय की गई है। दुर्घटना बीमा की यह प्रक्रिया क्या है और मुआवजा कैसे मिलता है वो जान लीजिए। स्कीम के मुताबिक अगर एटीएम धारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को 2 महीने से 5 महीने के भीतर उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा जहां उस शख्स का खाता था और वहां मुआवजे के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आपके पास किसी एक बैंक में एक ही अकाउंट हो या फिर उस बैंक की दूसरी ब्रांच में भी अकाउंट हो तो भी मुआवजा आपको किसी एक एटीएम पर ही मिलेगा जिससे पैसे का लेन देन किया जा रहा हो। मुआवजा देने से पहले बैंक ये देखेंगे कि मौत से पहले पिछले 45 दिन के भीतर उस एटीएम से किसी तरह का वित्तीय लेन देन हुआ था या नहीं। बैंक में अकाउंट खुलने के बाद जैसे ही एटीएम आपको मिलता है बीमा पॉलिसी लागू हो जाती है। बैंक की तरफ से बीमा करवाया जाता है जिससे एटीएम धारक की मौत होने के बाद परिवार को मदद मिल सके। शहर से लेकर गांव तक बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो एटीएम का इस्तेमाल ना करते हों, लेकिन बड़ी संख्या में लोग एटीएम के दुर्घटना स्कीम के बारे में नहीं जानते। एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज सच साबित हुआ है।